हाँ जी, क्लीविज कंट्रोल के बाद आज हमने स्टार्ट करना है क्लीविज इन सी अर्चन। स्टार्ट क्या करना है, आज हमने इसको इंशाल्लाह मुकम्मल भी करना है, क्लीविज इन सी अर्चन। तो क्लीविज को जिस तरह हम पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं, कोई आप में से मुझे कौन बताएगा क्लीविज क्या है? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए फौरन फौरन। सेल डिवीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सेल डिवीजन होती है। ये बात तो ठीक है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन तो सारी सेल डिवीजंस को तो नहीं हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जितनी भी डिवीजंस हो रही हैं सबको हम क्लीविज नहीं कहेंगे। माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन को क्लीविज बोलते हैं। सिर्फ फर्स्ट डिवीजन को नहीं, जो अर्ली डिवीजंस होती है ना उनको हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज से पहले वाली आप समझिए या उसके एक दो बाद वाली, उनको हम अर्ली क्लीविजेस को, अर्ली डिवीजंस को हम क्लीविज कहते हैं। क्लीविज को बेसिकली हमने कहा था नॉन वॉल्यूमिनस डिवीजन, जिसमें जो सेल साइकिल है उसमें ग्रोथ फेज इंक्लूड नहीं था, यानी उसमें सेल डिवीजन तो हो रही थी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स डबल नहीं हो रहे थे डिवीजन से पहले। तो इस वजह से फिर हम उसको कह रहे थे ये जो नॉन वॉल्यूमिनस डिवीजन है ये क्लीविज है। लेकिन जैसे ही अर्ली स्टेजेस के बाद मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज के साथ ही जो जीनोमिक एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ही ग्रोथ फेजेस भी ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो डिवीजन है वो नॉन वॉल्यूमिनस नहीं रह जाती, इस वजह से फिर उसको हम मजीद क्लीविज नहीं कहते। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है वो है क्लीविज इन सी अर्चन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे नोट्स आपके सामने ही आज मैंने शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? यस मैम, हो रही है। अच्छा जी, तो क्लीविज, एक तो हमने क्लीविज को डिफाइन कर लिया था, दूसरा हमने ये इस चीज को समझा था कि क्लीविज के दौरान जितने न्यू सेल्स बन रहे होते हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उनको हम सेल्स नहीं कहेंगे बल्कि उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सी अर्चन की, सी अर्चन का हमने जब हमने एग टाइप्स और क्लीविजेस की बात की तो उसमें हमने देखा था कि इसका आइसोलेसिथल एग होता है, यानी इसमें मॉडरेट अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में क्लीविज होती है, सॉरी योक होती है स्मॉल अमाउंट में, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस वजह से जो क्लीविज फरो है वो उस योग में से पेनिट्रेट कर सकती है, उस योग को पास कर सकती है। तो ये जो सी अर्चन का एग होगा वो साइट, इसमें किस किस्म की क्लीविज होगी? होलोब्लास्टिक क्लीविज होगी, यानी कंप्लीट क्लीविज होगी। ठीक है, और दूसरा होलोब्लास्टिक होगी और क्या होगी? मेरिडोनियल। ये हम फर्स्ट क्लीविज की बात कर रहे हैं। सी अर्चन में हमने उसका एग टाइप देखी थी कि आइसोलेसिथल है, आइसोलेसिथल में हमने कहा था कि होलोब्लास्टिक क्लीविज होती है। क्यों होलोब्लास्टिक क्लीविज होती है? कि उसके अंदर जो योक है वो स्मॉल अमाउंट में होती है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो इस वजह से जो क्लीविज फरो है वो उसमें से पास कर सकती है योक में से। तो जो सी अर्चन है इसके अंदर जो फर्स्ट क्लीविज होगी वो होलोब्लास्टिक होगी और साथ ही क्या होगी? मेरिडोनियल, यानी के परपेंडिकुलर होगी इस इक्वेटर के, y एक्सिस पे होगी। ठीक है, y एक्सिस पे होगी, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? मेरिडोनियल। और होलोब्लास्टिक की वजह से कह रहे हैं कंप्लीट क्लीविज है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड क्लीविज होगी वो भी होलोब्लास्टिक और मेरिडोनियल होगी। ये फर्स्ट क्लीविज और उसके बाद ये है सेकंड क्लीविज। जैसे अगर आप इसको यूं आसानी से समझिए कि जैसे आप सेब को काटते हैं तो आप जो पहला कट उस पे लगा रहे हैं, उसकी लेंथ वाइज जो आप कट लगा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ये फर्स्ट क्लीविज है, होलोब्लास्टिक क्लीविज है, कंप्लीट क्लीविज है, टू इक्वल हाफ्स में उसको डिवाइड कर रही है। उसके बाद जो सेकंड क्लीविज है वो आप उसके एक्स एक्सिस पे तो नहीं लगाते, अगर आप जो एप्पल जिसकी मैंने बात की आप उसको फर्स्ट कट लगा रहे हैं तो हम उसको आप यूं समझे कि ये फर्स्ट क्लीविज है, होलोब्लास्टिक है,
मेरिडोनियल है। तो अब जब सेकंड क्लीविज आप सेकंड कट लगाते हैं तो वो भी आप उसी एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ही लगाते हैं ना, इसी तरह से ये भी ये फर्स्ट क्लीविज और ये सेकंड क्लीविज, लेकिन ये फर्स्ट क्लीविज के परपेंडिकुलर है, ठीक है ये भी वाई एक्सिस पे लेकिन फर्स्ट क्लीविज के परपेंडिकुलर होगी। तो इसको भी हम कहेंगे सेकंड क्लीविज भी क्या है, होलोब्लास्टिक और मेरिडोनियल है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्लीविज है, थर्ड क्लीविज इक्वेटोरियल क्लीविज होगी, इक्वेटर के अलोंग होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, ये थर्ड क्लीविज है, ठीक है। और थर्ड क्लीविज जो है इस स्टेज तक जो सेल्स बन रहे हैं, जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, रिजेम्बलेंस है उनके अंदर। और थर्ड स्टेज तक कितने ब्लास्टोमियर्स बन गए, 8 ब्लास्टोमियर्स। फर्स्ट क्लीविज के बाद 2 ब्लास्टोमियर्स, सेकंड के बाद 4 और थर्ड के बाद 8, क्योंकि हर स्टेज के बाद जो ब्लास्टोमियर का नंबर है वो डबल हो रहा है, ठीक है। अब जब इक्वेटोरियल क्लीविज होती है ना, तो ये ओवोसाइट ये इस जायगोट को दो हाफ्स में डिवाइड कर देती है, दो पोल्स में डिवाइड कर देती है। इक्वेटोरियल क्लीविज जब होती है तो इसके बाद जो ये जायगोट है ये इस तरह इसके दो पोल्स बन जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है उसको हम कह देते हैं ये एनिमल पोल है, और ये जो विदाउट न्यूक्लियस पोल है इसको हम कह रहे हैं वेजिटल पोल, ठीक है। ये थर्ड क्लीविज, यहाँ तक आपको समझ आ गया, थर्ड क्लीविज तक जो 8 सेल्स बन रहे हैं और जो क्लीविजेस हो रही हैं, होलोब्लास्टिक मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल क्लीविज, यहाँ तक आपको समझ आ गया जी मैम। अच्छा, अब उसके बाद फोर्थ क्लीविज है, ठीक है। फोर्थ क्लीविज जो है ये इस एनिमल हाफ में और वेजिटल हाफ में दोनों में डिफरेंट होगी, ठीक है। एनिमल हाफ में ये किस तरह से होगी, एनिमल हाफ में ये मेरिडोनियल होगी, और वेजिटल हाफ में ये किस किस्म की होगी, वेजिटल हाफ में ये इक्वेटोरियल होगी, ठीक है। ये देखिए ये एनिमल हाफ में इस तरह से, ये पहली दो क्लीविजेस है ना, ये और ये। अब ये थर्ड क्लीविज है, ये आपको नीचे नहीं पेनिट्रेट करती नजर आ रही, वेजिटल हाफ में आपको ये क्लीविज नहीं नजर आ रही, यानी अब ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। जो थर्ड क्लीविज है ये आप देखिए कि ये एनिमल हाफ में डिफरेंट है, वेजिटल हाफ में डिफरेंट होगी। एनिमल हाफ में क्या है, एनिमल हाफ में मेरिडोनियल क्लीविज है, ठीक है, और वेजिटल हाफ में किस किस्म की होगी, वो होगी इक्वेटोरियल क्लीविज। ये देखिए वेजिटल हाफ में ये इस किस्म की है, लेकिन आप ये देखिए एनिमल हाफ में जब ये क्लीविज हुई है, फोर्थ क्लीविज, तो इसमें जो ये ऊपर वाले सेल्स हैं, ये इनका जो साइज है वो सेम है, ठीक है। इनको हम क्या कह रहे हैं, ये जो सेल्स बन रहे हैं इनको हम कहते हैं मीजोमियर्स, ठीक है। ये जो मीजोमियर्स हैं ये इंटरमीडिएट साइज के हैं, दरमियाने साइज के होंगे ये। अब इसके बाद जब आप एनिमल हाफ में देखते हैं, यहाँ पे अनइक्वल क्लीविज होती है, अनइक्वल क्लीविज की वजह से जो यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बनेंगे उनको हम मीजोमियर्स नहीं कहेंगे, उनको हम मैक्रोमियर कहेंगे और माइक्रोमियर कहेंगे। ऊपर वाले इंटरमीडिएट साइज के उन सबको हमने क्या कह दिया, एनिमल आपके जितने भी ब्लास्टोमियर्स थे उन सबको हमने क्या कहा, ये क्या है, मीजोमियर्स है, इंटरमीडिएट साइज के हैं। जबकि जो वेजिटल हाफ के सेल्स होंगे, वेजिटल हाफ के ब्लास्टोमियर्स होंगे, इनमें चूंकि ये फोर्थ क्लीविज अनइक्वल थी, तो इसमें अब ये वाले देखिए ये सेल्स बड़े हैं, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये पेज की लाइन है, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये देखिए ये पेज की अपनी लाइन है, जो ये डिवीजन वाली लाइन है वो ये वाली लाइन है इक्वेटोरियल क्लीविज, ठीक है। तो अब ये देखिए इक्वेटोरियल क्लीविज जो फोर्थ क्लीविज वेजिटल हाफ में हुई है ये अनइक्वल थी, अगर यहाँ पे होती फिर तो इक्वली दो सेल्स ऊपर वाले और नीचे वाले होते ना, लेकिन ये वाले बड़े हैं तो इनको हम क्या कह रहे हैं, मैक्रोमियर, और जो नीचे वाले छोटे हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोमियर। तो अब हम कहेंगे फोर्थ क्लीविज के बाद जो जायगोट है इसमें तीन किस्म के सेल्स हैं, एनिमल हाफ में मीजोमियर्स, वेजिटल हाफ में माइक्रोमियर जो बड़े वाले हैं, और जो मीजोमियर हैं वो सॉरी माइक्रोमियर कौन से हैं, छोटे वाले। यानी अब इसमें देखिए ये अपर टायर और ये लोअर टायर, यानी जो दो रोज बन गई, इसमें ऊपर वाली जो रो है, ऊपर वाली कितार है, इसमें क्या है, सेल का साइज बड़ा है, जो नीचे वाली है इसमें सेल साइज छोटा है, तो इसको हम माइक्रोमियर कह रहे हैं, ऊपर वाली को मैक्रोमियर कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद
जो फिफ्थ क्लीविज होगी, फिफ्थ क्लीविज के बाद आप देखिए, फिफ्थ क्लीविज दोनों में, एनिमल हाफ में भी और वेजिटल हाफ में भी एक्वाटोरियल क्लीविज होगी। अब इसमें भी ये एक्वाटोरियल क्लीविज है, जो वेजिटल हाफ है इसमें भी एक्वाटोरियल क्लीविज है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो सेल टायर्स बन गई हैं, सेल रोज, अब हम इनको कहते हैं, ये जो रोज हैं, अपर, सबसे ऊपर वाली रो है ना, अपर रो एनिमल हाफ की, उसको हम ए एन वन कहते हैं, ठीक है, ए एन वन, ए एन एनिमल की वजह से, ए एन वन अपर रो। जो लोअर रो है उसको हम क्या कह रहे हैं, ए एन टू। पहले आप देखिए, पहले तो ये मीजोमियर्स थे ना, यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल क्लीविज तो नहीं हुई हुई थी, ये तो अपनी पेज की अपनी लाइन है ना, कोई यहाँ पे क्लीविज नहीं थी, ठीक है। अब जब क्लीविज हो गई तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ऊपर वाली जो रो है सेल्स की, ब्लास्टोमियर्स की, इसको हम कह रहे हैं ए एन वन, और जो नीचे वाली है उसको हम क्या कह रहे हैं, ए एन टू। इसी तरह जो इसमें वेजिटल हाफ में जो ये मैक्रोमियर्स थे, इनमें जो क्लीविज हुई तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वेज वन और वेज टू। जो नीचे माइक्रोमियर थे ना, उनमें, उनको हम सिंपली माइक्रोमियर ही कह रहे हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाले थे इनको हम वेज वन और वेज टू माइक्रोमियर को हम कह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि फिफ्थ क्लीविज है, फिफ्थ क्लीविज के बाद आपके पास जो ये इनका ब्लास्टोमियर्स का नंबर है, ये कितना होना चाहिए, 16 होने चाहिए। टोटल कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। अब देखिए, 8 ये ए एन वन में है, 8 ए एन टू में है, 4 एक दो तीन चार, चार कितने हैं वेज वन में, 4 सेल्स ही वेज टू में है, ठीक है। तो ये टोटल वेज वन और वेज टू में 8 हो गए, ठीक है ये। और उसके बाद इसमें माइक्रोमियर्स जो है 8 ये हो गए, ठीक है। तो आप काउंट कीजिए, फर्स्ट क्लीविज पे कितने सेल्स थे, 2, सेकंड पे कितने थे, 4, थर्ड पे कितने थे, 8, और फोर्थ क्लीविज पे कितने थे, 16। तो फिफ्थ क्लीविज पे कितने होंगे, 32। फिफ्थ क्लीविज तक कितने सेल्स होने चाहिए, 32। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, ये 8 और ये 8, 16, और ये दोनों 4 और 4, 8, ठीक है। ये कितने हो गए, 32। और उसके बाद ये जो अगली क्लीविज हो रही है, तो उसके बाद इसमें मजीद ऐड होके, तो अब यहाँ पे आपको वो सारी अर्ली क्लीविजेस तो शो हो रही हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि इसी तरह से क्लीविजेस आगे आगे होती जाएंगी और सेल का नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यानी 16 है तो 16 से 32 होंगे ना, तो 32 से आगे 64 हो जाएंगे, 64 के बाद 128 हो जाएंगे। जी आयशा रहमान, आप पूछना चाह रही हैं कुछ, आपने हैंड रेस किया। मैम गलती से हो गया होगा उनका। अच्छा, तो इस तरह से सेल जो है वो लेयर्स में डिवाइड हुए, उन लेयर्स को हमने नाम दिया ए एन वन, ए एन टू। जब हम फेट मैप देखेंगे ना, तब हम इसको देखेंगे कि ए एन वन आगे जाके क्या बना रही है, ए एन टू से कौन सी क्या आगे जाके बन रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो आप समझिए वो इन क्लीविजेस को समझिए, ठीक है, और किस तरह सेल का जो नंबर है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, सिक्स्थ क्लीविज पे जाके, फिफ्थ क्लीविज के बाद कितने सेल्स हो जाएंगे, 32, और सिक्स्थ क्लीविज पे कितने हो जाएंगे, 64। तो तब हम इसको क्या कहेंगे, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज। सी अर्चन के अंदर सिक्स्थ क्लीविज के बाद जो जीनोमिक एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो सेल्स होंगे वो एक ही अंदाज में डिवाइड नहीं होंगे, एक ही रेट पे नहीं डिवाइड होंगे, यानी क्लीविज रेट जो है वो डिफरेंट होगा। सेल आगे जाके क्या बनाएंगे, किस डिवाइड होके, किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, किस किस्म की जीन्स उनमें एक्सप्रेस हो रही हैं, अब इस चीज पे डिपेंड करते हुए जो जीनोमिक एक्सप्रेशन के बाद क्लीविज का रेट जो है वो हर सेल में डिफरेंट होगा। कोई तेजी से डिवाइड कर रहे होंगे, कोई आहिस्ता डिवाइड कर रहे होंगे, कोई इंटरमीडिएट रेट पे डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होने के बाद जो क्लीविजेस हैं वो सिंक्रोनस नहीं रहेंगे, एसिंक्रोनस क्लीविजेस होंगी, यानी उनमें हार्मनी नहीं होगी, एक ही रेट पे क्लीविज नहीं हो रही होगी, बल्कि डिफरेंट रेट ऑफ क्लीविज जो है वो
डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारी हमारी बात थी आज के दिन की, ये हमारी आज की क्लास में हमने जो पढ़ना था वो था क्लीविज सिंपली, ठीक है, सी अर्चन में किस तरह से क्लीविज हो रही है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? मैम जो MBTS इसे रिपीट कर देगा। अच्छा, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज सिक्स स्टेज के बाद स्टार्ट होगी। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज का मतलब है कि जो जायगोट है अब उसमें जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि उसमें जीन जो है वो एक्सप्रेस होके मैसेंजर आरएनए बना रही है, उनसे फिर आगे प्रोटीन्स बन रही हैं। तो मुख्तलिफ ब्लास्टोमियर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जीन्स एक्सप्रेस होती हैं। जब मुख्तलिफ जीन्स एक्सप्रेस होती हैं तो अब वो उनके अंदर जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, अब उनके अंदर जो डिवीजन की स्पीड है वो डिफरेंट होगी। कोई सेल्स जो है वो और उनका रेट ऑफ क्लीविज और होगा, दूसरों का कुछ और होगा, क्योंकि उनके अंदर जो जीनोमिक एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मैंने बताया ना कि हम आगे जाके देखेंगे कि AN1 आगे जाके क्या बनाएगी, AN2 क्या बनाएगी। इसका मतलब है कि ये आगे जाके मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स बनाएंगी, उन लेयर्स से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स बनेंगे। तो इनके अंदर इसका मतलब है कि जीन्स भी डिफरेंट किस्म की एक्सप्रेस होंगी, ठीक है। तो जब जीन्स डिफरेंट एक्सप्रेस होंगी तो इनका रेट ऑफ क्लीविज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि जो क्लीविज है वो सिंक्रोनस नहीं है, यानी एक ही स्पीड पे नहीं क्लीविज हो रही, रेट ऑफ क्लीविज सेम नहीं रह गया, ठीक है। रेट ऑफ क्लीविज जो है वो डिफरेंट होगा हर सेल में डिपेंडिंग अपॉन द जीन एक्सप्रेशन। तो उसको फिर हम कहेंगे ये एसिंक्रोनी है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन स्टेज के बाद। और फिर जब 128 सेल स्टेज आ जाएगी तो उसको हम कहेंगे ये, अब उस स्टेज पे हम उसको कहेंगे ब्लास्टुला। 64 सेल स्टेज तक हम उसको क्या कह रहे थे, मोरूला, वो जो मलबरी फ्रूट टाइप उसकी जो शेप थी, यानी जिस तरह शहतूत की शेप होती है, ठीक है, उस किस्म की उसकी साख्त होगी, तो उसको हम कहेंगे ये मोरूला स्टेज है। उसके बाद जो स्टेज होगी 128 सेल स्टेज से जो स्टेज स्टार्ट होगी उसको हम नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज, मोरूला के बाद वाली स्टेज, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट में मैंने बात की, ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आपके सामने नई स्क्रीन शो की है, जो मैंने आपसे ये कहा कि ये इनमें आइसोलेसिथल एग्स होते हैं और जो इनमें क्लीविज है वो होलोब्लास्टिक होती है, रेडियल क्लीविज होती है। तो रेडियल क्लीविज का क्या मतलब, होलोब्लास्टिक क्लीविज, ये जो मैंने आपसे स्टार्ट में बात की कि होलोब्लास्टिक क्लीविज और क्लीविज जो है वो क्या है कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर दोनों क्लीविजेस होंगी, जो अर्ली टू क्लीविजेस हैं, फर्स्ट टू क्लीविज। तो पहली क्लीविज जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी थी, आप फर्स्ट उसको इस तरह से कट करते हैं, सेकंड आपको इस तरह से उसको कट करते हैं, ठीक है। यानी आप इस रुख पे तो नहीं उनको काटते ना, इस रुख पे काटते हैं। तो अर्ली टू क्लीविजेस जो है वो इस तरह से हो रही है। अब आप इसमें ये भी चीज नोट कीजिए जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो क्लीविज पैटर्न है वो इस मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स जो मेटाफेज स्टेज में आके अरेंज होते हैं, इनकी अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। देखिए इस तरह से ये जो पड़े हैं तो इस तरह से हाफ होंगे ना, यानी ये इस तरह इक्वेटोरियल एक्स एक्सिस पे, ये जो मेटाफेज प्लेट है वो एक्स एक्सिस पे बनी हुई है। तो क्लीविज किस किस्म की होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ताकि इक्वली दो इक्वल हाफ में क्रोमोसोम डिवाइड हो जाए। और अब जब ये मेटाफेज प्लेट जो है, स्पिंडल फाइबर्स जो है, ये अब जब जायगोट में y एक्सिस पे हैं, तो क्लीविज किस एक्सिस पे होगी, इनके परपेंडिकुलर होगी, यानी x एक्सिस पे होगी, ठीक है। और दूसरा रेडियल क्लीविज जो इनमें होती है, हमने कहा कि रेडियल क्लीविज होती है, होलोब्लास्टिक रेडियल क्लीविज है। रेडियल क्लीविज का क्या मतलब है कि जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की सूरत में अरेंज होते जाते हैं, ठीक है। एक एक रो बनी उससे ऊपर, उस जो बनी वो उससे ऊपर अरेंज हो गए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रेडियल क्लीविज का ये मतलब है कि जो क्लीविजेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रही हैं और जो सेल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की सूरत में अरेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये कौन सी क्लीविज है, परपेंडिकुलर सॉरी रेडियल क्लीविज है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्पाइरल क्लीविज भी होती है। स्पाइरल क्लीविज का मतलब होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका मतलब होता है कि जो जहाँ पे सेल्स जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना उन सेल्स का, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नए सेल्स अराइज होते हैं। क्लीविज उन जगहों पे होती है जहाँ पे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो वो एक, यानी जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वहां पे क्लीविज हुई, फिर नए सेल्स बने, फिर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे सेल्स एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, फिर वहां पे क्लीविज हुई तो नए सेल्स बने,
ठीक है, तो इस तरह वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर नहीं सेल्स आ रहे बल्कि वो बाहर की तरफ घेरा बढ़ता जा रहा है सेल्स का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये स्पाइरल क्लीवेज है। जैसे ये आप देखिए, ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक सेल, ठीक है, ये उससे दो बने। अब ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था ना, तो यहाँ पे ये दो देखिए नए सेल्स यहाँ पे अराइज हुए, यहाँ पे क्लीवेज हुई, यहाँ से बल्कि आपको मजीद बेहतर समझ आएगा कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्लीवेज हो रही है, तो क्लीवेज से ये नए सेल्स बन रहे हैं। अब इन इनका ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना ये, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे आगे नई क्लीवेज होके नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है। और जो रेडियल क्लीवेज थी वो किस तरह से है कि सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं लेयर्स की सूरत में, इस तरह ये देखिए, इसको हम कहते हैं रेडियल क्लीवेज, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको ना क्लियर हुई हो, हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से, सारा क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास भी शुरू करते हैं इसके बाद।